सो हे एनिम फैंस, कैसे हो यार एनिम फैंस। तो यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट साइतामा एके वन पंच मैन। तो यार अगर किसी ने वन पंच मैन अब तक नहीं देखा ये एनिम, तो प्लीज़ रेकमेंड करता हूँ जल्दी जाके वन पंच मैन देखो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों वन पंच मैन देखो यार, बहुत ही अच्छा एनिम है, मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे जन देख चुके हैं, तो जल्दी जाके देखो वन पंच मैन। और बहुत ही कम एपिसोड्स है, सो बहुत ही कमाल किया। और ये फैक्ट्स जो है, मैं टॉप 5 फैक्ट्स बताने वाला हूँ, वो भी उसी के रिलेटेड है, साइतामा के रिलेटेड। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, और ये जो वीडियो है जो कुछ शेयर करना अपने एनिमे फैंस और पोके फैंस के साथ। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन दोस्तों, फैक्ट नंबर वन जो कि है साइतामा की तरफ से, वो है कि उसकी जो स्टोरी है, यानी साइतामा वन पंच मैन, ये जो एनिमे स्टोरी है ये सेम टू सेम सिमिलर स्टोरी है टू द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी, यानी एनिमे क्रिएटर या फिर मांगा क्रिएटर उससे रिलेटेड स्टोरी है। यानी साइतामा जो है अपने पैसे बचाता है। अगर तुमने ये वन पंच मैन नहीं देखा तो यार तुम्हें इसमें से कुछ नहीं समझेगा, तो प्लीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ वो पहले जाके देखो। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखो जो इसका क्रिएटर है वन पंच मैन का, जो कि क्रिएटर है वो बंदा मतलब इसे उसने एज अ प्यार, मतलब हम यूट्यूब ही हम मेरा ही मैं पहले यूट्यूब पे आया क्योंकि मैं यूट्यूब से प्यार करता था, मेरे को मज़ा आता था, तो इसलिए उसने ऐसा कुछ डालने की एनिमे बनाने की इच्छा रखी थी उस क्रिएटर ने, तो उसने बनाया मांगा। सो और वो मतलब ऐसे ही काम करते गया उसमें, और वो सोचता था कि मेरे को ज़्यादा पैसा जमा नहीं करना है और मेरे को ये क्विट नहीं करना है, तो मतलब वो पैसे खर्च करता था और मतलब ऐसी लाइफ जीता था। और इसने ये एक साल तक लगातार करता रहा, और जब तक वो और हमारा जो वन पंच मैन है वो तो भाई फेमस हो ही गया, ये जो एनिमे सीरीज है और मांगा भी, सो दैट वाज अ गुड। और दोस्तों उसके बाद उसने इसी में ही कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, और वही सेम स्टोरी हमारे वन पंच मैन के एनिमे में दिखाई गई है और मांगा में भी है, कि वो बंदा जॉबलेस है और मतलब वो कुछ नहीं करता, बस अपने पैसे इकट्ठा करता है और ज़्यादा खर्चा करता है ताकि वो ज़्यादा सेफ ना करे और वो क्विट ना करे, और बस वो अपने आजू बाजू वालों को मतलब सिटी को प्रोटेक्ट करता है। फैक्ट नंबर टू दोस्तों, फैक्ट नंबर टू साइतामा की तरफ से आता है कि उसके पास एक रेगुलर जॉब है, या फिर कह सकते हो रेगुलर जॉब थी भी और है भी, क्योंकि दोस्तों जब साइतामा मतलब जब वन पंच मैन अपने जो पुराने वाले फॉर्म में था, जो कि मतलब लेस पावरफुल, कोई पावरफुल में नहीं, तब वो एक जॉब करता था, एक मतलब कह सकते हो मॉल टाइप उधर जॉब करता था। उसकी जॉब बहुत सिंपल जॉब थी कि बस परफेक्ट जगह पे परफेक्ट बार कोड लगना चाहिए उस प्रोडक्ट का, सो ये उसका जॉब था। और फिर उसके बाद अभी उसका जॉब है उसकी सिटी को प्रोटेक्ट करना, अभी ये उसका जॉब है, बट काइंड ऑफ थिंग उसका जॉब वो था, एक बहुत ही सिंपल जॉब था, और अभी इसके पास बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों, फैक्ट नंबर थ्री साइतामा का आता है कि वो एक ओवर पावरफुल हीरो ऐसे कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप बाकी एनिमेस अगर देखोगे या फिर कोई भी चीज़ देखोगे अगर जो कि एनिमे रिलेटेड हो, कि उसमें जो कि हीरो होता है, जो कि हीरो होता है वो हमेशा विलन से कम पावरफुल होता है, और मतलब जो भी विलन उसके सामने आता है वो उससे ओवर पावरफुल रहता है और उसे बीट करना होता है। पर हमारे वन पंच मैन के सीरीज में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो साइतामा है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी मंस उसे बस एक पंच लगता है उस सामने वाले की चिदड़िया उड़ाने के लिए, मतलब एकदम सीरियस पंच भी नहीं, एक नॉर्मल सा पंच भी उसका काम तमाम कर देता है, इसीलिए तो उसका नाम वन पंच मैन है। सो बट अगर हम बाकी चीज़ों की तरफ देखी जाए, अगर बाकी एनिमेज की तरफ देखा जाए, तो
वन पंच मैन इज ओवर पावरफुल फॉर अ हीरो, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारा ओपिनियन क्या है। अगर हम गोकू की तरफ देखें यार, गोकू भी तुम कह नहीं सकते कि वो ओवर पावरफुल है, क्योंकि यार उसके सामने जो भी बंदा आता है वो उससे या तो 10 गुना ताकतवर होता है या फिर उससे 2 गुना ताकतवर होता है, मतलब उससे कम से कम 10 गुना ताकतवर सामने वाला बंदा होता है, तो मतलब उसे उसके उसे खुद की लिमिट्स मतलब पुश करनी पड़ती है उसे उसे उस पावर लेवल को अचीव करने के लिए, पर वन पंच मैन हमारे साइतामा को वो करना नहीं पड़ता और उसे ऐसा कोई मिलता ही नहीं कि जो कि उसे उसकी लिमिट्स रीच करवाए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हारे थॉट्स इसके बारे में। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 साइतामा का ये आता है कि उस वो कुछ अलग ही डिफरेंट चीज़ से बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी कुछ अलग है, बट हाँ मतलब उसको जब क्रिएट करना चाह रहे थे मतलब बाकी एनिमे मतलब रेफरेंस लेके तो ये इस बंदे को मतलब बहुत ही अलग क्रिएट किया है। तो अगर तुम इसके प्रीवियस फॉर्म को देखोगे यार, मतलब प्रीवियस जब साइतामा वन पंच मैन बनने से पहले था वो बहुत अलग दिखता था और ये बाद में बॉल्ड हो गया यानी टकला, सो वेरी डिफरेंस। क्योंकि अगर तुम बाकी के एनिमेज देखो और उनके हीरोज देखो तो उनके हीरोज में एक अलग ही हेयर स्टाइल होता है, अलग ही लुक्स होता है, पर हमारे वन पंच मैन में वैसा नहीं है, हमारा वन पंच मैन बॉल्ट है यानी टकला है, तो यही उसे मतलब ये अलग बनाती है और डिफरेंट बनाती है बाकी एनिमेज वगैरह इनसे। तो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, तो साइतामा का फैक्ट नंबर 5 यह आता है कि साइतामा पॉपुलर है एनिमे के हिसाब से, मांगा के हिसाब से और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से साइतामा इज पॉपुलर, बट अगर तुम इसके एनिमे में देखो तो वहाँ पे एनिमे में एक हीरो की हीरो एकेडमी नहीं भाई, एक कोई तो चीज़ होती है, मैं अभी इसका नाम भूल गया, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद दिलाना। सो वहाँ पे हमारे साइतामा को दिया गया है सी ग्रेड पॉपुलैरिटी में, जो कि होता है वन आउट ऑफ टेन होता है। सो हमें हमारे साइतामा को सी ग्रेड दिया गया है, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी फर्स्ट है सब जगह पे मांगा में, अगर तुम देखो तो उसकी मांगा पढ़ो या फिर कहीं पे भी देखो तो वो फर्स्ट पे आता है, और उसका जो प्रीवियस वाला है वो टेंथ पोजीशन पे आता है, यानी ऐसा कुछ है हमारे रेस में, बट साइतामा इज पॉपुलर इज एवरीथिंग, सो दिस स्टेट्स कि मतलब हीरो है उन्हें पता नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने थॉट्स। सो पोके फैंस एंड एनिमे फैंस, तो भाई लोग ये मेरा पहला वीडियो था अदर देन पोकेमोन के एनिमे पे, पोकेमोन एनिमे से, सो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्या तुम्हें ऐसे ही अलग अलग एनिमेज के ऊपर वीडियोस चाहिए कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो होप सो मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक में रखते हैं 50 लाइक्स का, मेरे को पता है तुम लोग कंप्लीट कर दोगे, और दोस्तों कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर करो अपने पोके फैंस एंड एनिमे फैंस के बीच में। तो दोस्तों मिलते हैं तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।